थे हरी भजन को ओटन लगे कपास तो वहीं दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को अब एक नया डर सताने लगा है भारत को घेरने के चक्कर में बुरी तरीके से फंस गए हैं चीन और पाकिस्तान जानेंगे क्या है मामला चीन को अपनी धौस दिखाना बहुत भारी पड़ गया है अब दक्षिण चीन सागर में फ्रांस भारत और अमेरिका ने घेर लिया है चीन को बड़ा ही तगड़ा एक्शन हो गया है जानेंगे कौन कौन सी महाशक्तियाँ उतर चुकी है और कौन कौन सी के साथ घेराबंदी हो चुकी है चीन की कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है तो वहीं अपनी तरफ से चीन ने क्यों कहा वो भी जो बाइडेन से बात करने के बाद कि चीन से दुश्मनी पूरी दुनिया को महंगा पड़ने वाली है आखिर चीन ऐसा क्या करने वाला है तो वही दूसरी सबसे बड़ी खबर भारत अमेरिका और आर्मेनिया ने एफ में पाकिस्तान के साथ कर दिया बड़ा खेल तीनों के गुस्से का शिकार बन गया पाकिस्तान क्या अब पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड होगा जानेंगे इन खबरों को विस्तार से बाइडेन और जिनपिंग के बीच दो घंटे की बात हुई या लड़ाई इससे साफ साफ दिख रहा है कि इस फोन कॉल के बाद जहां बाइडेन ने यूरोप और एशिया में जितने भी देश हैं सबको ये कह दिया कि जो एक जैसा सोच रहे हैं जो चीन के खिलाफ है वो एक साथ आ जाए तो वही जिनपिंग ने ये कह दिया की पूरी दुनिया को महंगा पड़ेगा चीन ऐसी जंग करना इन दोनों के बयानों से ये तो तो बिल्कुल साफ हो गया कि लड़ाई तो अब होकर ही रहेगी वैसे भी ट्रम्प ने जाते जाते ये कहा था कि यह उनका ही शासनकाल है जिसमें अमेरिका ने कोई जंग नहीं लड़ा नहीं तो आज तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं सब ने कहीं न कहीं जंग लड़ा ही है वैसे जो बाइडेन के रुख से भी यही लग रहा है कि अब जंग का वक्त आ गया है दरअसल फोन कॉल के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये आह्वान करा था की दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी सारी सीमाओं को पार कर चुका है और ऐसे में यूरोप और एशिया में रहने वाले पढ़ने वाले जितने भी देश हैं वो जो समान विचारधारा के हैं उनको एक साथ आना ही होगा और इसका बड़ा असर पड़ा है इस अपील का असर यूरोपीय देशों में भी पड़ा है और एशिया के देशों में भी पड़ा है इससे पहले दक्षिण चीन सागर में चीन आरोप नकेल कसने के लिए बाइडेन ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों को उतार दिया है जिसमे दो एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसके अलावा ओहियो क्लास की पंडुबिया भी है जो कितनी घातक है ये हमने आपको कल बताया था अपनी न्यूज में यहाँ तक शायद चीन को लगा था कि छोटी सी बात है और इतना बात और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन यह बात काफी आगे बढ़ चुकी है क्योंकि अब इस क्षेत्र में फ्रांस ने भी अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उतार दिया है फ्रांस ने अमेरिका के साथ खड़ा होने का फैसला ले लिया है और फ्रांस के इस कदम के बाद दक्षिण चीन सागर में जंग की आशंका भी तेज हो गई है एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के इस कदम के बाद यूरोप के अन्य देश भी अपने अपने हथियारों के साथ दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए आ रहे हैं जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी भी है शामिल जो अपने युद्ध पोतों को तैनात करेगा अब पूरी यूरोपीय ताकतें इस क्षेत्र में अपने अपने हथियारों को लगाने के लिए भी सक्रिय हो गयी है और युद्ध के लिए भी सक्रिय हो गयी है ऐसे में इस कदम ऐसी दक्षिण चीन सागर में चीन जिस तरीके ऐसी समुद्री महत्वाकांक्षा को बढ़ाना चाहता था उसको एक बड़ा झटका लग सकता है वैसे फ्रांस ने इस पर आधिकारिक बयान भी दे दिया है फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस फार्ली ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पेरिस का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप है और यह फ्रांसीसी नौसेना की क्षमता का प्रमाण भी है पार्ली का कहना था की यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है और यह कानूनन है क्यूँकी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री सीमा की सुरक्षा करनी चाहिए फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वह चीन से जंग लड़ने को तैयार तैयार है अब एशिया के देशों में भारत से भी ऐसी ही अपील करी है जो बाइडेन ने जिसको देखते हुए चूँ चीन के साथ पंगे भारत के है ही और लगे ही रहेंगे उम्मीद ये की जा रही है की दक्षिण चीन सागर में अब भारत भी अपने युद्ध पोतों को उतार सकता है और अपने सैनिकों को भेज सकता है वैसे यही मौका है जिसमें समेट देना चाहिए चीन को वरना यह पड़ोसियों के लिए तो सबसे पहला खतरा है हालांकि जंग की तैयारी चीन भी कर रहा है यही वजह है कि चीन की राष्ट्रपति वो तो वैसे कभी सामने आकर किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देते हैं लेकिन चीनी अखबारों में अब ये भर गया है कि दुनिया को बहुत भारी पड़ने वाला है चीन अगर दुनिया चीन के साथ जंग लड़ने की कोशिश करेगी तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा वही दूसरी तरफ ग्वादर के रास्ते भारत को घेरने का सपना देख रहे पाकिस्तान को चीन ने एक तगड़ा झटका दिया है और ये बात निकल सामने आई है पाकिस्तान के ही संसद में सीपेक प्रोजेक्ट जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों का ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था लेकिन चीन को पाकिस्तान के कंगाल होने का डर सताने लगा चीन को पाकिस्तान के सीपेक में कई तरह की कमजोरियां दिखी साथ ही साथ पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और झोल झाल भी दिखी आपको याद होगा जी ट्वेंटी देशों से कर्ज में रियायत मांग रहा था पाकिस्तान जिसे चीन ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया अपने देश के अंदर और साथ ही साथ सीपेक में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए मुसीबत बन गया पाकिस्तान की ही एक वेबसाइट ने यह रिपोर्ट जारी करा था कि 60 अरब डॉलर के सीपेक प्रोजेक्ट के चेयरमैन पाक सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने भ्रष्टाचार से 40 मिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति बना ली वही सीपेक के जरिए चीन की कई बिजली कंपनियों ने पाकिस्तान को जमकर चुना लगाया कंपनियों ने गुपचुप तरीके ऐसी बिजली के दाम बढ़ा दिए और पूरी कमाई को अपने पास रख लिया ये सारा कुछ देखते हुए चीन ने आज से नहीं बल्कि 2017 से ही पैसे देना पाकिस्तान को बंद कर दिया है और ये खुलासा पाकिस्तान की ही संसद में हुई एक विशेष समिति ने जब यह मांग करी तब इमरान खान सरकार ने बताया कि चीन के सी की फंडिंग बंद करने के कारण कई प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं ग्वादर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी इस कमेटी ने सरकार को खूब कोसा इस कमेटी के सीनेटर डॉक्टर सिकंदर मंदरू की अध्यक्षता में ये बताया गया कि सी पे बोल कर कुछ है ही नहीं सिर्फ कागज पर कार्रवाई की गई है यहाँ तक कि पाकिस्तानी सीनेटर कबीर अहमद शाही ने तो इस परियोजना पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि इसकी शुरुआत ऐसे की गई है जैसे कि एक टेंट के बाहर किसी चौकीदार को बैठा दिया गया हो दरअसल यह उन्होंने इसलिए कहा क्यूँकी न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था जिसके चारों तरफ तार कर दी गयी लेकिन एयरपोर्ट का काम ही शुरू नहीं हुआ मतलब एक खाली जमीन को तारों से घेर दिया गया इन सब चीजों को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं चीन भी अंदर से खोखला हो चुका है चीन के भी पैसे कई जगह बर्बाद हो चुके हैं वैसे आपको क्या लगता है क्या इस जंग में भारत को भी उतर जाना चाहिए अमेरिका के साथ अब तो पूरे यूरोपीय देश आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताए की चीन और इन्हीं देशों में अगर जंग होता है तो कौन जीतेगा कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ